लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है ऑलिव ऑयल। ब्लड शुगर कंट्रोल करने में होता है चमत्कारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज तब होता है जब शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसे हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। वैसे तो शरीर ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है, लेकिन आप जो खाते हैं उसमें भी आपको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वहीं इंसुलिन पैक्रियाज द्वारा बनाया गया एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को सेल्स तक जाने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर इंसुलिन की सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज ब्लड में जमा हो जाता है और सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। डायबिटीज के कारण पूरा शरीर प्रभावित होता है। एक किडनी, नर्वस सिस्टम और हार्ट हेल्थ पर बुरा असर डालता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे खानपान की मैं सलाह देता हूं। अक्सर लोग अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या वाकई ऑलिव ऑयल की मदद से डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज में ऑलिव ऑयल के फायदे क्या हैं वो पहले जानिएगा। ऑलिव ऑयल कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्लोर ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल आदि शामिल हैं। डायबिटीज होने की स्थिति में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन किया जा सकता है। माना जाता है कि ये अन्य प्रकार के फैट की तुलना में ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक साबित होते हैं। यही बात इस डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, खासकर डायबिटीज 2 के रोगियों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी कहते हैं, में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑलिव ऑयल एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। हाई शुगर की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। वही एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को कम करने में मददगार साबित होता है। इस तरह देखा जाए तो ये डायबिटीज के रिस्क को कम किया जा सकता है। यही नहीं, डायबिटीज के कारण कई बार शरीर में सूजन आ जाती है, जबकि ऑलिव ऑयल में मौजूद गुड़ सूजन को कम करने, सेल्स को क्षति पहुंचाने से रोकने में मदद करता है। कितना ऑलिव ऑयल फायदेमंद होता है? एक चम्मच जैतून के तेल में लगभग 14 ग्राम कुल वसा होता है, जबकि इसमें फाइबर और शुगर बिल्कुल नहीं होता है। ये विटामिन ई और के का भी अच्छा स्रोत है। ऑलिव ऑयल फाइटो एस्टेरॉल होता है। ये एक प्रकार का प्लांट सब्सटेंस है जो कि कोलेस्ट्रॉल के समान होता है। इसके बावजूद ये हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे भोजन से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और हृदय रोग से जुड़े बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। लेकिन इसका एक दिन में आप कितना सेवन कर सकते हैं, ये बात मायने रखती है। आपको एक दिन में महज 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल का ही सेवन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऑलिव ऑयल के कुछ दूसरे भी फायदे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ऑलिव ऑयल सूजन को कम करता है। ऑलिव ऑयल से ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। ऑलिव ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये रक्त के थक्कों के रिस्क को कम करता है। ऑलिव ऑयल ब्लड प्रेशर को कम करता है। ऑलिव ऑयल के सेवन से अल्जाइमर की रिस्क भी कम होता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।